how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. कौन है ये लेडी जिसके सर में अकेला घूम रहा है? अगर जानना चाहते हैं बने रहे वीडियो के साथ। बात यह है कि ये दीदी मिलते हैं हमें हॉस्टल में, यही हो वही हॉस्टल है जहाँ पर मंकी मैजिक आया था। तो दीदी ने सोचा क्यों नहीं हमारे साथ ही घूम ले, क्योंकि वो भी सोलो ट्रैवल ही कर रहे थे। सबसे पहले दीदी मोहिले जाती है इस चर्च में, जो कि शिलोंग शहर का सबसे बड़ा चर्च है, और यहाँ से जो व्यू आता है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, और सामने इसके पूरा शहर भी दिखता है, जो कि एक हॉलीवुड सीन से कम नहीं है, क्योंकि शिलोंग भी एक हॉलीवुड सीन ही है। इससे पहले कि मेरे और दीदी के बारे में कुछ गलत सोच मैं बता देना चाहता हूँ, दीदी मेरे से 10 साल या 15 साल बड़ी हैं और वो बेंगलोर में MA कर रही हैं, और वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कृपया कुछ गलत ना सोचिए। फिर और मैं दीदी निकल जाते हैं यहाँ के सबसे सुंदर शिलोंग की झीलों में, जो कि शिलोंग शहर के में ही आती हैं, जिसका नाम मैं निकल दूँगा टेक्स्ट में, जो कि काफ़ी सुंदर झील है। यहाँ पर कुछ रोमांटिक लोग भी आते हैं, इन्जॉय करते हैं, और फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, क्योंकि ये कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है। और कुछ लोग भी यहाँ पे हैं जो कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे, कुछ पैसे चार्ज करते हैं। ये शहर उन शहरों में है इंडिया के जो पॉपुलर नहीं है पर सुंदर बहुत है। कृपया यहाँ पे आएँ पर गंदगी मत फैलाएँ, क्योंकि ये हमारे धरोहर भी है। आगे जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पर बोट भी चलती है, पर बोट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर 5 लोग होने ही चाहिए एक बोट में, पर हमें यह पसंद नहीं था, इसलिए हम बोट को ऐसे ही सिनेमैटिक मूड में शूट करके आगे की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पर कुछ सीढ़ियों को चलने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप अच्छे से अपना बर्थडे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को देखा था मैंने यहाँ पर कई लोग यहाँ पर अपना बर्थडे इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक फुल लुकिंग सिनेमैटिक शूट ले लेता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे जाके पता लगता है कि यहाँ पे कुछ बत्तखों का झुंड भी लगा होता है, यहाँ पे आप बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं और सिनेमैटिक शॉट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, आप बत्तखों के पास भी जा सकते हैं, और इसके बीच में एक चिड़ियाघर नामक की चीज़ थोड़ी सी बना रखी है, जिसमें बहुत सारे रहते हैं। रास्ते में मेरी चप्पल टूट जाते हैं, मैं चप्पल का बलिदान वहीं पर दे देता हूँ। वापस उन सीढ़ियों को चल के मैं निकल जाता शिलोंग के गलियों में, और ये वही टैक्सी ड्राइवर अंकल है जिस पर आपको फोटो भी दिखी होगी इंस्टाग्राम पर, और ये टैक्सी ड्राइवर अंकल हमें पूरा शिलोंग शहर घुमाएंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी आने वाली हैं।